Bradarangi, start. Inamit will follow. नमो रागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंतानम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो आयरियानम नमो उवज्जायानम नमो उवज्जायानम नमो लोए सव्व साहुनम नमो लोए सव्व साहुनम ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावप्पणासनो सव्व पावप्पणासनो मंगलानं च सव्वेसिं मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद I have a question. Sure, yes. Bolo. Yes. Bharatanand ji, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Ye vitrakta kya hai? Aur hum log, apart from five agyas, vitrakta mein aage badhne ke liye kya karein? Oh. Vitrakta kya hai? Vitrakta means raag aur dvesh rahit. Ji. Without राग एंड द्वेष जी जी तो जिनमें संपूर्ण राग चला गया संपूर्ण द्वेष चला गया उनको वितराग बोलते हैं जी और ये शब्द वितराग इसलिए आया कि पहले द्वेष तो ऑलरेडी चला जाता है लास्ट में राग जाता है तो बोलते हैं वितराग ओके तीर्थंकर भगवान को वितराग बोलते हैं केवली भगवान को वितराग बोलते हैं अच्छा इनका राग और द्वेष संपूर्ण चला गया जी तो वितराग दशा की प्राप्ति मींस इसका मतलब क्या हुआ कि मन वचन काया और बाहर के जो सारे संजोग है हाँ वो सभी संजोग में वो वितरागता रहे राग द्वेष खड़ा नहीं हुआ और वो उनको बोलते हैं वितराग दशा पर खड़ा तो होता ही है ना अभी इस स्टेज पे जहाँ हम लोग मैं हूँ आप अभी वितरक कहाँ हुए वितरक होने तो खड़ा तो जी 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 बराबर खड़ा तो बहुत बॉम्बे पहुंच के ऐसी बात करते हैं नहीं 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 पहुंचा है नो नहीं तो बड़ौदा से बैठे बॉम्बे के स्टेशन पे बॉम्बे की ट्रेन में जरूर 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 बॉम्बे पहुंच नहीं गए बराबर राइट और आप जो बोलते हैं कि राग द्वेष खड़ा होता है वो भी क्या है जी वो चार्जिंग राग द्वेष नहीं है डिस्चार्ज जी जी ख्याल में जी निकाली राग द्वेष है बराबर तो पिछले जन्म का जो राग और द्वेष का फाइलों के साथ जो हिसाब लेके आए हैं जी वो हिसाब अभी बाहर आ रहा है खाली हो रहा है हाँ तो जितना जितना खाली हुआ इतना आप ज्यादा ज्यादा वितराग होते जाते हैं तो जैसे कोई इंस्टेंस है अभी मेरा वितरा राग द्वेष निकला किसी के साथ हाँ खाली हो गया हाँ अभी जो भी था मैंने ज्ञान की गोठवनी करी पर नीना तो बोली पर ज्ञान की गोठवनी अंदर थी तो ये क्या हुआ अभी आगे के लिए हाँ तो निकला बराबर तो किसका निकला नीना बहन का निकला या आपका निकला नहीं नीना बहन का डिस्चार्ज निकला पूरा हाँ, तो नीना बहन का राग या द्वेष का हिसाब बाहर सामने आया जी तो ये राग और द्वेष का हिसाब जो सामने आया हाँ वो भीतर पड़ा था वो सामने आया नहीं बराबर एग्जैक्टली बराबर है तो अभी आपको ये जागृति में रहा कि नीना बहन का या राग का या द्वेष का हिसाब सामने आया और वो खाली हो रहा है हाँ तो आप इतने वितरक बन गए
तो इतने वितराग हुए कि हम अगले जन्म में इस हिसाब से वितराग हो गए कि मैं अभी मेरा राग दर्द निकला। वितरकता के नजदीक जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे भाई, इतना हम ज्यादा वितरक हुए। अच्छा, 360 डिग्री वितरकता होनी चाहिए, 360 डिग्री वितरकता होनी चाहिए जी। तो आपकी जो भी 300, 350, 340 जो भी हुई, हाँ। 340 पे है तो ऐसे दो चार संजोग में आपकी वो वितरकता खुली हुई। अच्छा। तो आपको दो डिग्री बढ़ गई वितरकता की। अच्छा, इसे करते करते 360 होगी तो केवल ज्ञान होके मोक्ष में जाएंगे। तो अभी तो वितरकता हमारी डिस्चार्ज में नहीं है, चार्जिंग में है, मतलब हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस नाउ? नहीं नहीं नहीं, वितरकता चार्जिंग की बात नहीं, वितरकता खुली हो रही है। अच्छा, समझ में? आप आपका जितना जितना ये राग द्वेष वाला पार्ट निकल गया, हाँ, इतना वो वितराग वाला पार्ट खुला हो जाता है। इन दिस टाइम, अभी आज सुबह हुआ तो आज सुबह इतना वितराग भाव, आज इमेजिन कि मेरा आज किसे बाहर से राग द्वेष हुआ और अंदर नहीं था, तो आज ही मेरी इतनी वितरागता कहलाएगी? हाँ, तो आपको अंदर नहीं था, बाहर इतना, बाहर के लोगों को लगे कि कैसा राग द्वेष हो गया, हाँ, पर आपको भीतर नहीं था, आप जागृत थे, नीना बन के आपको दिखाई भी दिया, और आपको ये भी जागृति में है कि ये अच्छा नहीं है, हाँ, तो इतना भाग डिस्चार्ज हो गया, हाँ, तो ये राग का माल है या द्वेष का माल है, इतना डिस्चार्ज हो गया, हाँ, तो जितना डिस्चार्ज हो गया तो बाकी जो बचा इतना ही बचा है। अच्छा, जो स्टॉक था, आप जो स्टॉक पिछले जन्म का लेके आए उसमें से इतना खत्म हो गया, आप जागृत रहे तो खत्म हो गया, आप तो जागृत थे, हाँ, जागृत थे एकदम, हाँ, तो जागृत, हाँ, इतना खत्म हो गया तो अच्छी बात है ना? हाँ, अच्छी बात है, मतलब इसको वितरकता कहेंगे क्या? वितरकता ये ऐसे करते करते आगे जाके पूर्ण वितरकता का स्टेशन आएगा। ओके ओके ओके, चल में, हाँ, ये पूर्ण वितरकता का स्टेशन आएगा। अभी कैसा है, कोई कोई फाइलों के साथ वितराग रह पाते हैं, कोई फाइल के साथ नहीं रह पाते हैं। हाँ, बराबर, जी जी जी, हिसाब है ना, हिसाब तो आपको रहने नहीं देगा, हाँ, मगर वो हिसाब सामने आएगा, आपको दिखाई देगा, वो तब फिर आप ऐसे अपने स्वरूप पर स्थिर होंगे तो इतनी वितराग आपकी खुली हो जाएगी वो पार्ट में। ऐसे करते करते सब जगह वितरागता खुली हो गई तो केवल ज्ञान हो जाएगा, और केवल ज्ञान हो जाएगा, बाद में पूना में रहना है, ब्रज क्षेत्र में रहना है, महाविद्या क्षेत्र में रहना है, तो भी नहीं रह पाएंगे। हाँ जी 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 जी, वेरी नाइस। एक और छोटा प्रश्न है, पूछूं? हाँ, पूछिए पूछिए। एक जे छे ए छे और जे नथी ए नथी और व्यवस्थित, फिर से पूछो, मैं आवाज कट गया आपकी। जे छे ए छे अने जे नथी ए नथी, एक ये स्टेटमेंट है और उसके सामने व्यवस्थित, तो क्या दोनों में रिलेशन है, क्या डिफरेंस है? देखिए, जे छे ते छे ने जे नथी ये नथी, मीन जो है वो है और जो नहीं है वो नहीं है, बराबर, हाँ, जो है वो भी व्यवस्थित में आता है और जो नहीं है वो नहीं है वो भी व्यवस्थित में आ गया। अच्छा, तो दोनों व्यवस्थित के बाहर नहीं है, व्यवस्थित में सब आ जाता है। अच्छा, आपको संजोग है तो है वो भी व्यवस्थित है, और संजोग नहीं है तो नहीं है, मगर वो व्यवस्थित के बाहर नहीं है। दोनों स्टेटमेंट, दोनों संजोग व्यवस्थित के बाहर नहीं है। अच्छा, तो ये दो अलग अलग बातें। दादा क्या बता रहे, तो जो जो भी है हमारे ये व्यवस्थित में जो भी है, हाँ, उनका भी स्वीकार है और जो नहीं है उनका भी स्वीकार है। चल मैं आपको आपको जो 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 संजोग है, जो भी सामने संजोग है उनका भी स्वीकार है, और संजोग नहीं नहीं इकट्ठा होता है तो संजोग नहीं मिला उनका भी स्वीकार है, क्योंकि दोनों व्यवस्थित है।
दोनों व्यवस्थित है। अभी जैसे मैं श्रुति के हाथ का एग्जाम्पल ले हूं। हाँ। तो अगर उसके व्यवस्थित में ऐसा है कि हाथ ठीक नहीं होना है तो वो तो नीना बहन को स्वीकार अभी नहीं है। नहीं, मैं क्या बता रहा हूं कि व्यवस्थित कैसे बताया कि आपको एंड तक सब प्रयत्न करते रहने का। हाँ। बराबर है। हाँ। तो उनको हाथ का जो पैलेटिक अटैक आया। हाँ। तो आपने सारे प्रयत्न किए कि नहीं किए? हाँ, बहुत किए, पूरे किए। और अभी भी फिजियोथेरापी वो सब प्रयत्न करते कि नहीं करते? चालू है, सब चालू। और प्रयत्न करते हैं तो पॉजिटिव रह के करते हैं कि नेगेटिव होके करते हैं? पॉजिटिव। बस इतना बहुत हो गया। तो फिर ये जो है वो है और जो नहीं है वो नहीं है, वो स्टेटमेंट मेरे को कैसे कहाँ यूज करना चाहिए? मगर वो तो अभी एंड रिजल्ट तो आने दो। एंड रिजल्ट तो अभी श्रुति को जो एक्सेप्ट है आपको एक्सेप्ट नहीं है। हाँ, मुझे सही बात। देखो हम कितने मूर्ख बनते हैं वो तो देखो। अच्छा, तो जिनको सफरिंग है हाँ, उनको एक्सेप्ट है। और अभी वो मन से स्ट्रॉन्ग हो गई। हाँ, हो गई हो गई। और आपको सफरिंग तो है ही नहीं, डायरेक्ट सफरिंग नहीं है। हाँ, नहीं है। तो आप बोले मुझे मुझे स्वीकार नहीं होता है। है अभी भी ऐसा? हाँ, तो स्वीकार नहीं होता है तो करो, जो करना है करो। ओके। क्या करेंगे? नहीं, उसका फिजियो चालू है, दवाई ववाई चालू है सब। वही तो बता रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, सिंसियरली पॉजिटिव रह के सारे प्रयत्न करते रहते। तो दादा ने ऐसा तो बताया कि आप सब प्रयत्न करते रहो, वो हाथ पे से ग्लास गिर रहा है। तो दादा ने कैसा बताया कि आपको आप क्या करेंगे, बचाने का प्रयत्न करेंगे, लास्ट तक करेंगे, एंड तक बचाने का प्रयत्न करेंगे, फिर भी गिर के टूट गया तो अभी बोलने का व्यवस्थित है। तो श्रुति को ये जो हुआ वो व्यवस्थित। हाँ। अभी तो के वो तो व्यवस्थित है, मगर अभी तो अभी वो क्योर हो सकता है। तो हम पॉजिटिव रह के सारे प्रयत्न करते हैं। और काल के गर्भ में व्यवस्थित में क्या है वो आपको, वो आगे का ऐसा वो दर्शन खुल गया है? नहीं, मुझे नहीं मालूम है। हाँ, और नहीं मालूम है वो अच्छा नहीं है? हाँ, वो अच्छा है। हाँ, जो आगे का दिखाई देता है ऊपर से आपका टेंशन बढ़ जाता है। हाँ। तो वो ज्ञान होता है, दर्शन खुल गया, फिर वापिस आवरण आ जाता है। क्या बोले? ये आगे का दर्शन बाय चांस खुल भी गया और फिर आपको टेंशन बढ़ गया तो वापिस वो दर्शन पे आवरण आ जाता है। अच्छा अच्छा, ओके। तो अच्छा है ना कि आपको वो दर्शन खुला नहीं है, आप प्रयत्न हार्टिली सिंसियरली प्रयत्न करते हो। जी, वो दोनों को प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, दे आर लिविंग वेल। हाँ, समझ में, दोनों को प्रॉब्लम नहीं है। वो हस्बैंड वाइफ दोनों को प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्यों प्रॉब्लम है? है अभी प्रॉब्लम खड़ा करके आप वो दोनों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बराबर। तो फिर आपकी ओर से हेल्प होगी कि ऊपर से ऑब्स्ट्रक्शन होगा? ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऐसा इस तरह से समझ लेने का। भरत आनंद जी, हाँ, इन्होंने प्रश्न पूछा ना, तब बताया था पहले प्रश्न में कि वितरकता क्या है अपार्ट फ्रॉम फाइव आग्नास, क्या करे? हाँ, बराबर। तो ये अपार्ट फ्रॉम फाइव आग्नास का क्या मतलब निकाले हम? अपार्ट फ्रॉम फाइव आग्नास क्या करे कि हम वितराग हो हुए? देखो, पांच आज्ञा के बाहर कुछ आता है नहीं? आई वाज वंडरिंग, पांच आज्ञा के बाहर जाना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंपल बात है। हाँ, पर वो तो हम अभी रोज सुन रहे हैं, पांच आज्ञा में रहना है, समझना है, पांच आज्ञा का विवरण बराबर है, मगर समझना है तो मैं सत्संग पे बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि दिन में जो संजोग आते हैं उसमें आप नहीं रह पाए, वो संजोग को देखेंगे, वो आपको दिखाई देगा, फिर आज्ञा में रह पाएंगे।
सत्संग सुनने से नहीं होगा, सत्संग सुनने से आपको हेल्प होता है। आफ्टर ऑल इट इज योर ओन पुरुषार्थ, आपका खुद का पुरुषार्थ है। बराबर, ये सपोर्टिंग हो जाता है, सपोर्टिंग। बाकी इतना ये रियली इट्स अमेजिंग जी कि दादा ने 5 आज्ञा ऐसे दी है कि 5 आज्ञा के बाहर कुछ भी नहीं है। ओके जी जी जी, कुछ भी नहीं है जी। एक संजोग तो मुझे बताओ जो आज्ञा के बाहर है। बराबर बराबर, पति पत्नी है, दोनों का व्यवहार स्मूथली चल रहा है, और दूसरे है दोनों को बहुत प्रॉब्लम होता है जी, तो कौन सी जगह पे आज्ञा में रह पाएंगे और कौन सी जगह पे नहीं रह पाएंगे? दोनों व्यवस्थित में जा रहे हैं। नहीं भाई, कौन सी जगह पे आज्ञा में रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे? तो दोनों जगह पे आज्ञा तो अप्लाई होगी जी जी जी। तो पॉजिटिव संजोग में भी आज्ञा अप्लाई होगी, नेगेटिव में भी आज्ञा अप्लाई होगी, एप्लीकेशन इज पॉसिबल। तो ये अक्रम विज्ञान है, इट्स अ रियली अमेजिंग कि आपको अच्छे संजोग मिले तो भी फायदा है, प्रॉफिट है, और प्रतिकूल संजोग मिले तो भी प्रॉफिट है। हम गुजराती में क्या बोलते हैं कि आप बनने हाथ में लाडू, दोनों हाथ में लड्डू। हाँ, ये राजस्थान में दोनों हाथ में लड्डू है, वो बोलते हैं विन विन सिचुएशन, विन सिचुएशन जी, ऐसे बोलते दोनों हाथ में लड्डू जी। और दादा भगवान ने तो ऐसा बताया आगे जी कि आपको पॉजिटिव संजोग होंगे तो आपको इतनी जागृति नहीं रहेगी जी जी, थोड़ा प्रमाद खड़ा हो जाएगा, ताता हो जाएंगे, और नेगेटिव संजोग होंगे तो जागृति रहेगी, जागृति रहेगी। तो लोग छोटी छोटी बात में वो मन्नत रखते हैं, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाएगा तो मैं आपका दर्शन करने के लिए आऊंगी, वैष्णो देवी आऊंगी, मैं यहाँ जाऊंगी, 5 रविवार करूंगी, 5 सोमवार का व्रत करूंगी जी। तो ऐसे आपको बहुत जल्दी आगे बढ़ना है, जल्दी जल्दी वितराग होना है, तो ऐसे मन्नत रखना कि दिन में सारे प्रतिकूल संजोग आते रहे। अभी मैं इतने समय से बिल्कुल अकेली हूँ इस पूरे घर में, और इतने सारे सब सत्संग चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय जा रहा है भाई। वही तो, समय अच्छा जा रहा है। देखो आप किस तरह से देखते हैं कि समय, मैं घर में हूँ, अकेली हूँ, पूरे दिन का सत्संग मिल रहा है और बहुत अच्छा समय जा रहा है। नहीं, प्रगति हो। और भगवान की बात कैसी है कि समय अच्छा है वो तो ठीक है, वो तो व्यवस्थित में आपको मिल गया अच्छा समय जी। मगर अच्छे समय में आपने कमानी क्या की, प्रॉफिट क्या किया, उसके ऊपर ध्यान रखना जी जी। ये तो व्यवस्थित में आपको अच्छा संजोग मिल गया जी, जी, कोरोना जी। का संजोग आया, ऑनलाइन सत्संग हो गया जी। सुबह से शाम तक मिलता रहता है और आप भी फ्री है, अकेले है, घर पे है, कुछ काम भी नहीं है जी जी, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है जी। तो ये सब पॉजिटिव संजोग आपको मिले वो व्यवस्थित में गए अच्छा जी। और ये पॉजिटिव संजोग में आपने क्या प्रॉफिट कर लिया, ये सिंपल भाषा में बताऊं कि आप एवरीडे शुद्धात्मा पद में कितना ज्यादा रह पाते हैं, आपकी कितनी ज्यादा स्थिरता बनी जी, वो आपका प्रॉफिट है, वैल्यू एडिशन हुआ जी। तो जी। हमें 5 आज्ञा में रहने का है, सत्संग सुनने का है, सत्संग में जाने का है, कीर्तन भक्ति में सब जो है, वो सब अल्टीमेटली हमारे सारे दिन में वो शुद्धात्मा पद में स्थिरता बढ़े, वो शुद्धात्मा की गति से जो बार बार उतर जाते हैं उसमें वो स्थिरता बढ़े, इसके लिए है जी। और ये प्राप्ति हुई तो आपको फायदा हुआ जी। और आपको ऐसा हुआ कि आज तो बहुत मजा आया, बहुत धैर्य है, जानने को मिला, तो बड़ा भाई जानने को मिला, अच्छी बात है, वो आपको आगे जाके हेल्पिंग भी होगी, मगर आज वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। ओके, वैल्यू एडिशन तो आपकी जितनी स्थिरता बढ़ी इतना हुआ, इतना ही होगा। बराबर बराबर बात, बराबर जी जी, जरूर। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। सुबीर जी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अपना मोक्ष का चार पाया बताया, ज्ञान दर्शन चारित्र अने तप। तो इसमें जो चारित्र अने तप है वो आपने महात्मा का रेफरेंस में क्या स्थिति है और वो कितने प्रकार का है, कैसे लागू होता है महात्माओं के लिए, क्या उसमें कैसे अपने प्रगति कर सकते हैं? देखो, सबसे बड़ा महात्माओं के लिए, अपने महात्माओं के लिए, हाँ, सबसे बड़ा क्या है कि हमारा जो मेन जो ड्रॉबैक है ना, हमारा जो फाउंडेशन कच्चा है वो कितना है, तप। दादाबान क्या बोले, तपनो पायो काचो रही आई, राइट, समझ में? तप का पाया, तप का पाया कच्चा रह जाए, तो उनका मतलब क्या है कि हम ये पांचवें आर्य में कलयुग में है, बाहर तप करने के लिए जाना नहीं पड़ता है, हमारे चारों तप के ही संजोग है, मगर हम उनका बेनिफिट नहीं ले पाते। ख्याल में? हम उनका बेनिफिट नहीं ले पाते, तप के संजोग तो आते रहते हैं, सुबह उठते तो शाम तक आते ही रहते, मगर उनका जो बेनिफिट लेना चाहिए वहां हम कच्चे पड़ जाते। बेनिफिट पर बात तो, हाँ, आपको किसी की भी गलती दिखाई दी तो वहां आपका तप का जो फाउंडेशन है वो कच्चा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, हो गया। सिंपल बात, सिंपल। दादा भगवान तो जो एग्जाम्पल देते थे कि हमें ऐसा थोड़ा सा फीवर जैसा है तो हम इसको बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें जो करना है कर लेंगे, डॉक्टर को तो बताना का नहीं है, तो फिर हीराबा को बताएंगे तो फायदा क्या होगा? और से हीराबा है तो इमोशनल हो जाएंगे, अरे भाई ये करो वो करो, ये करो वो करो, तो हम तब कर लेते थे, राइट। ये तो महात्माओं को समझ में आए इसलिए बताया, मगर ऐसे देखने के लिए जाओ तो सुबह से शाम तक कितना तप आता रहता है। तो ये मैंने एक सिंपल करके बताया, हाँ, कि आपको दुनिया में किसी की भी गलती दिखाई देती है, वो गलती देखा और आज्ञा को अप्लाई नहीं किया, उनको निर्दोष नहीं देख पाए, तो वो तप का संजोग आपका चला गया नहीं चला गया? हाँ, चला गया, चला गया। तो ये हमारे लिए हमारा व्यवहार हम लेके नहीं आए थे, अच्छा बराबर, तो व्यवहार हमारा ऐसा ऊपर उठा हुआ नहीं था, राइट। व्यवहार ये वितराग मार्ग को, वितराग मार्ग में ऐसा होना चाहिए ऐसा व्यवहार लेके हम नहीं आए थे, राइट राइट। क्योंकि हमें कृपा से दिया, राइट। तो अभी ये सारे संजोग आएंगे तो भले ज्ञान मिल गया वह संजोग का स्वीकार होगा? होना चाहिए, नहीं होता है, नहीं होगा, नहीं ना, संजोग का स्वीकार नहीं होगा, राइट। कोई आपका अपमान करके जाएगा, तो ठीक है, अभी इतने साल हो गए आप बोलेंगे कि व्यवस्थित है, ये है, रिकॉर्ड है, पर फिर भी किसी ने अपमान किया तभी क्या हो जाता है? एक बार तो रिएक्शन आ जाता है भीतर, एक पल के लिए आ जाता है, बाद में दादाजी का ज्ञान हाजिर होता है, क्योंकि ये रिएक्शन आया वो तब का संजोग हमने जो प्रॉफिट करने का था वो हमने मिस कर दिया, राइट राइट। अभी उस समय ये ज्ञान पांच आज्ञा अप्लाई करके हम उनको निर्दोष, उनको जैसा है वैसा देख पाए, वो निर्दोष है उनको निर्दोष देख पाए, तभी हमारा वो तब का नीव, तब का पाया, गुजराती फाउंडेशन वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो ज्ञान दर्शन वाला पार्ट है वो तो दादा ने दे दिया। सॉरी आपको मैं थोड़ा रोकता हूँ, ये तब के बारे में अभी जो आपने एग्जांपल बोला, जो कोई भी आपके अपमान किया बा कुछ भी अपशब्द बोला, जो इमीडिएटली आपका रिएक्शन आ जाता है, बाद में
हम दादा के ज्ञान हाजिर करके उनको निर्दोष देखते। ये मैं तो ऐसा स्वीकार तो करता हूँ, ये ऑल ऑफ ए सडन मतलब ऑन द स्पॉट तो रिएक्शन तो आ ही जाता है, अंदर बाहर नहीं आएगा, लेकिन इमीडिएटली ज्ञान भी हाजिर हो जाता है। तो ये क्या स्थिति बताएंगे? तो इतना आपका अच्छा हो गया। हाँ, इमीडिएटली मतलब वो ज्ञान हाजिर हो जाता है। देख कैसी बात है कि इन सम सर्कमस्टेंसेस यू विल हैव दैट अवेयरनेस, राइट, एंड इन विद सम डिफरेंट फाइल्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कमस्टेंसेस आपको अवेयरनेस नहीं भी रह पाएगी। तो हम क्या जनरलाइज कर लेते हैं कि भाई दो चार जगह पे रहता है, हमें लगता है कि रहता है, राइट, वी आर नॉट टेस्टेड, हम टेस्टेड नहीं हुए। लेकिन घर तो दादा भगवान सारे संजोग में ये ज्ञान को अप्लाई करके टेस्टेड होके केवल ज्ञान हुआ था। हाँ हाँ, वो तो उनकी स्थिति तो बहुत था उच्च स्तर। अभी ये दो जो कच्चा है वो क्या है, हमें सब जगह टेस्टेड होने का है, राइट राइट राइट। तो कुदरत हमें टेस्टेड होने के लिए सारे संजोग दे रही है, नहीं तो मन्नत रखनी पड़ेगी। नीना मेरे को नहीं पता कि मन्नत रखना, तो बाद में टेस्टेड होंगे। तो कुदरत हमें सामने से संजोग दे रही है टेस्टेड होने के लिए। बराबर, जितने जितने हम टेस्टेड हुए कि तप में और चारित्र में, तो फिर इतना हमारा वो ज्ञान के नजदीक पहुंच गए, केवल ज्ञान के नजदीक पहुंच गए, राइट राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि महात्माओं के लिए प्रतिकूल संजोग सबसे अच्छा है। दादा भगवान इसलिए बताया था कि अनुकूल संजोग, फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, वो देव की विटामिन है यार, प्रतिकूल संजोग आत्मा की विटामिन है। फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, इट्स अ विटामिन, राइट, क्या बात आती इसका, राइट राइट। तो इसमें भी जो ताप है ना, वो कुछ कोई टाइम पे बोलता अधिक ताप, कोई टाइम पे आत्यंतिक ताप, वो क्या कैटेगरी मतलब क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? अधिक, हाँ अधिक, जो मतलब दादाजी का अपने आरती में रहे ना, अधिक दिखाई नहीं दे ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, जो हिडन टाइप का है। तो जो फिजिकल पेनेंस है, आपने फास्टिंग किया तो सबको पता चलेगा ना। मगर आपको ऐसे एडवर्स सर्कमस्टेंसेस आए और फिर भी आप पॉजिटिव रहे, पांच आंखें रहे, ज्ञान में रहे, वो किसी को नहीं दिखाई देगा, राइट राइट, आपको भीतर क्या चल रहा है, आपके भीतर की दशा कैसे, वो किसी को क्या पता चलेगा, राइट। इसलिए क्या बताया, ऐसा आंख से दिखाई नहीं दे ऐसा तप, ऐसा तप को अधिक तप बोलेंगे। तो पत्नी है, उसने कुछ बोल दिया और आपको बहुत हर्ट हो गया, वो क्या है, अडिट तप का संजोग कुदरत ने आपको दिया। बराबर, ऐसे मानो आपका बेटा है, तो कभी ऐसा कुछ बोल दिया या ऐसा कुछ कर दिया कि आपको बहुत दुख हुआ, आप ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है, राइट, और फिर भी उनके व्यवस्थित में ऐसा आया, तो आपके लिए क्या हुआ, बाहर का जो लोग तप करते है, जैसा फास्टिंग करते है, आप जैसा बोल रहे हैं, ये सब तो क्या है, मतलब इसको कौन सी तप में गिनेगा? बाहर का जो तप है ने, वो तप का क्या है, वो तप का भी फल मिलता है, उनका भौतिक फल मिलता है, रिलेटिव, राइट। और ये जो अंदर का तप करते हैं, भीतर का तप, उनके फल स्वरूप में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बराबर, क्योंकि इसमें आप सारे कर्मों को खपा के पॉजिटिव रहते हैं, तो आपको आपको अल्टीमेटली मोक्ष की प्राप्ति होती है, राइट राइट। तो तीर्थंकर भगवान को भी तप होता है। हम तो कलयुग के है, बस दादा ने कितना कर दिया, पॉजिटिव कर दिया कि तप के संजोग है,
आपको तब के संजोग आते हैं तभी ऐसा इतना ध्यान में रखना कि कुदरत ने आपको बहुत बड़ा लॉटरी का बम्पर ड्रॉ का इनाम लगा दिया। मैं इस तरह से रहेगा तो तब के समय में भीतर आनंद भी रहेगा। हम्म, आप तब को वेलकम करेंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं तो एक छोटा सा अनुभव भी बोलता हूँ। हाँ। आपने पहले भी बोला था घर जो है हमारा फैमिली होम वो सबसे बड़ा तप की स्थान है। घर है जो आपने जो होम है होम घर जो है वो सबसे बड़ा तप की स्थान है। उसमें तप आता ही रहता है सुबह से शाम तक तो तप आता ही रहता है। तो छोटा सा अनुभव की बात करता हूँ। जैसा कोई भी ऐसा संजोग आ गया जिसमें रिएक्शन की मतलब आ जाता था पहले, अभी वो नहीं आता है तो सामने वाले को लगता है ये क्या चमत्कार हो गया, क्यों कुछ नहीं बोलता है। वो छोटा सा मैंने अनुभव की बात कर रहा हूँ। मेरे समझ में आपकी आवाज बराबर नहीं आई। मैं बोल रहा हूँ जी आपके मतलब घर जो है हमारा घर जो है हाँ वो तप की बड़ा स्थान है, सबसे बड़ा स्थान है क्योंकि उसमें तप सुबह से शाम तक तप मिलता ही रहता है कुछ न कुछ कारण से। तो अभी एक छोटा सा अनुभव की बात करता हूँ खुद का, जो जिसमें ऐसा कोई तप की संजग आया और मेरा कुछ रिएक्शन नहीं है तो सामने वाले को लगता है ये क्या चमत्कार हो गया, क्यों रिएक्शन नहीं देता है। हाँ बराबर है, सामने वालों को बहुत बड़ी इफेक्ट होती है। हाँ, लेकिन उनके लिए आश्चर्य हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। हाँ हो जाता है, सरप्राइज भी हो जाता है। और हमारे नेगेटिव रिएक्शन नहीं गए तो वो भी जल्दी पॉजिटिव हो जाते हैं। हाँ, वो मैंने उनको हमारी ओर से नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं गए तो हमारी ओर से पॉजिटिव वाइब्रेशन गए तो उनका नेगेटिव वाइब्रेशन होता है ना वो नलीफाई होता है। तो उनको सरप्राइज भी होता है और उनको ऐसा भी होता है कि मेरा भी ऐसा होना चाहिए। हाँ, अच्छा है ना, बहुत सुंदर है। नहीं और उसमें उसमें हाँ उसमें सामने से और एक पॉजिटिव क्या है जे जो एक्चुअली जो मेरा जो ओपिनियन हो कुछ भी व्यू पॉइंट हो सामने वाला मेरा रिएक्शन नहीं देख के वो सामने वाला वो व्यू पॉइंट में काम करना शुरू कर देता है, मतलब मेरा साइड पे काम करना शुरू कर देता है। बराबर है, क्योंकि आपका आग्रह नहीं रहा। हाँ, आपको जब ये संजोग आया और आपका आपके खुद के व्यू पॉइंट के लिए आग्रह नहीं रहा तो सामने वाले की भी पकड़ छूट जाती है। और हम जब आग्रह रखते हैं पकड़ते हैं तो सामने वाला भी जीत पे आ जाता है, पकड़ पे आ जाता है। उनका भी अहंकार खड़ा हो जाता है क्योंकि वो डीलिंग किससे कर रहा है, जिंदा आदमी के साथ, तो उनका अहंकार तुरंत खड़ा हो जाता है। राइट, छोटा आदमी है तो भी खड़ा हो जाता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊं। बोलिए। दादा भगवान के देवविलय के बाद 89-90 में मैं ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था। तो बड़ोड़ा में एक 6-story कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स मुझे बनाने का था। अच्छा। बाद उनका पासिंग मिला 4-story का, तो 4-story का बनाया। तो एक साल का प्रोजेक्ट था, 1.5 साल का। तो जब वो लैंड था तभी मैंने एक वॉचमैन रखा था। वॉचमैन, फिर एक काम चलता गया, वो आगे बढ़ता गया, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो एक बार मैं आया था तो वॉचमैन किससे से बात कर रहा था। वो आदमी पूछ रहा था कि मकान किसने बनाया। तो वॉचमैन ने क्या बताया, मैंने बनाया। अच्छा। या तो जमी थी, लाइन आउट भी नहीं था, तब से मैं हूं। राइट। ये सारा मैंने बनाया। राइट, क्योंकि बात गलत है। गलत नहीं, नहीं। तो सही है।
और ऊपर से बोल रहा है कि मैं मेरी हाजिरी में सबसे आगे खड़ा हुआ। फिर ये हुआ तो मैंने सोचा अभी मुझे अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने दो दूसरे लोग क्या बोलते हैं। तो मेसन भी क्या बोलता था कि सारा मकान मैंने बनाया। राइट तो कारपेंटर है वो भी क्या बोला सारा मकान मैंने बनाया। राइट वो बाइंडर आता है स्टील का रोड का जो बाइंड करने के लिए वो भी क्या बोलता था कि मैंने बनाया। राइट फिर वो सेंटरिंग फिट करने के लिए आता था वो भी क्या बोलता है मैंने बनाया। फिर वो आर्किटेक्ट दो तीन महीने में एक बार आता था एक बार एक आदमी को बताने के लिए आया था बताया कि वो दो मकान तो मैंने बना ये मकान भी मैंने बनाया मैं बना रहा राइट समझ में सिंपल बात है। सबको क्या लगता है कि ये मैंने बनाया और इसमें उनका ईगो इतना सेटिस्फाई होता है कि वो आराम से करते रहते। राइट ये जगत का व्यवहार ऐसा है। राइट अभी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो ईगो हर्ट होगा तो दुखी हो जाएंगे। तो मैं उस समय समझ गया कि ये सब बोल रहे मैंने बनाया अभी मेरे पास मैं तो बोल ही नहीं सकता कि मैंने बनाया है। राइट चल मैं तो मैं और बात भी सही थी मैं तो सिर्फ मैनेज कर रहा था। वो ये सब अपना अपना रोल बजा रहे थे। राइट तो उसमें मैंने या किसने किया क्या। राइट मगर जगत का व्यवहार ऐसा है कि सब लोग अपने सर पे ले लेते कि मैंने किया या दादाजी का एक ज्ञान मिलने के बाद या ज्ञान दृष्टि मिलने के बाद जब ये बात समझ में आती कि व्यवस्थित वो सारा पार्ट निकल गया। राइट सारा बोझ वाला पार्ट टेंशन वाला पार्ट चिंता वाला पार्ट वो कंप्लीट निकल गया। राइट तो वो निकल गया इसलिए हमें निराकुलता की प्राप्ति हुई। बराबर सभी संजोग में सभी प्रकार के संजोग में हमें भीतर संपूर्ण निराकुलता बनी रहती है। बराबर ये निराकुलता की प्राप्ति होनी वो तो बहुत बड़ी बात है। ये संसार में ये जगत में किसी को होती नहीं है। राइट तो ऐसी प्राप्ति हुई ये तप के साथ ये निराकुलता की प्राप्ति होगी। राइट एक और हमें निराकुलता भी है दूसरी और अंतर तप अडित तप है। बराबर दोनों राइट तो जगत के लोगों को तप के संजोग आते हैं तो भीतर आनंद ही रहता है। हमें वो भीतर हृदय लाल भी होता है ऐसे संजोग आते हैं तो और साथ में आनंद भी रहता है। बराबर तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। आपने बताया ना कि ऐसा आपको इफेक्ट नहीं हुई मिस आपका वो आग्रह पकड़ निकल गया इंसिस्टेंस निकल गया तो सामने वाला भी अपना आग्रह उनके अपने आप छूट जाता है। बराबर और इसकी वजह से उनको भी अच्छा लगता है तो सरप्राइज भी होता है कि ये कैसे हो गया। सामने वाले को सरप्राइज होगा आपको नहीं होगा। हाँ तो भीतर आनंद रहेगा। राइट नहीं मोक्ष का मिलेगा कौन सी बर्थ में मिलेगा वो तो देखा नहीं लेकिन ये निराकुलता तो अनुभव किया हुआ है। हाँ बड़ा निराकुलता अनुभव रहता है। और एक बार निराकुलता का अनुभव हुआ उनका मतलब क्या है कि मोक्ष आगे आने वाला है कंफर्म हो गया। चल मैं मानो आपको कहीं फॉरेन जाना है आपका वीजा आ गया मीन्स आप एनी टाइम यू कैन गो आपका कंफर्म है। Right. अभी एक महीने के बाद जाएंगे एक साल के बाद जाएंगे कंफर्म है कि अभी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। राइट ऐसा हो गया निराकुलता आ गई मीन्स मोक्ष का स्टैंप लग गया। फिर अभी एक अवतार में पांच अवतार में दस अवतार जब आएगा तभी फिर उधर जाके तो बैठे रहने का ही रहता आराम से जाएंगे।
वो दादाजी बोलते हैं ना भाजिया चाय चाय पी पी के जाएंगे। दादाजी क्या बताते थे कि अभी हमें ये देह में रहते हुए इतना सुख रहता है, मोक्ष का सुख हम यहाँ बैठे बैठे एंजॉय कर सकते हैं, इतनी निराकुलता रहती है, तो हमें अभी मोक्ष में जाने की भी जल्दी नहीं है। और दूसरा साथ में क्या था, तो जो भी दो चार अवतार होगा तो जो भी लोग मिलेंगे तो हमें निराकुलता है तो सबको फायदा ही होगा ना, सबका कल्याण ही होगा ना, तो भीतर वो जल्दी रहती है सबको कि जल्दी मोक्ष में जाना है, जल्दी मोक्ष में जाना है, ये यही जन्म में मोक्ष में जाना है, एक अवतार में मोक्ष में जाना है, वो सब नहीं होता है। मुक्त तो होते उनको क्या रहता है, मेरा जो होना है वो हो, मगर सामने वाले का कल्याण होना चाहिए। ख्याल में, मेरा जो भी होना है हुए, मगर मुझे नुकसान होना है तो नुकसान हुए, मगर सामने वाले को, सामने वाले का कल्याण होना चाहिए। ये भीतर इतना आनंद रहता है तभी ये भाव आते हैं कि भाई मेरा जो होना है हो, मगर उनको फायदा होना चाहिए, उनका कल्याण होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पटेल उन्नति। हाँ बोलो बोलो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है। उन्नति जरा मोटे थी बोलो। મારા લેપટોપ માં અવાજ નાનો આવે છે એટલે। જય સચ્ચિદાનંદ। હા વાહ બરાબર બરાબર। ગુસ્સા બહોત હી આ જાતા હૈ મુજે। હા તો શું કરવું, ક્યા કરના હૈ? વો તો ઇસમે મેરે દાદા પર હી મુજે ગુસ્સા બહોત આ જાતા હૈ। તો દાદા એસે હોંગે? વો તો દાદા અચ્છે નહીં હોંગે ઇસસે ગુસ્સા આતા હોગા। हाँ उन्नति। हाँ दादा अच्छे नहीं होंगे इसलिए गुस्सा आता होगा। पहले तो अच्छे लगते थे पर अब क्यों नहीं लगते? हाँ अभी बराबर कि दादा पहले अच्छे लगते थे, उन्नति के जो ग्रैंडफादर है ना तो उनको पहले अच्छे लगते थे, और अभी उनके डिजाइन के हिसाब से नहीं बताते तो अच्छे नहीं लगते। ख्याल में, तेरे को समझ में, तेरी डिजाइन को एक्सेप्ट नहीं करते इसलिए अभी वो दादा अच्छे नहीं लगते, और जहां तक वो डिजाइन को एक्सेप्ट करते थे वहां तक बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। तो किसी की भी डिजाइन सही होती है? नहीं होती। हाँ वो तो डिजाइन है, और सबको अपनी डिजाइन में से बाहर आना पड़ेगा ना, अपने डिजाइन में से, अपने फ्रेमवर्क से बाहर नहीं आना पड़ेगा? आना पड़ेगा। हाँ तब तभी तो कल्याण होगा। तो इतनी बात समझने की है कि आज तक इतने साल तक, ये 22-20 साल तक दादा अच्छे लगते थे, और अभी एक संजोग आया तो दादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो दादा में गलती है कि हमारे में कुछ प्रॉब्लम है? मेरे में कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए ना। होना चाहिए नहीं, है ही नहीं, होना चाहिए। बराबर है। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि आज तक दादा अच्छे लगते थे, और एक ही संजोग ऐसा आया तो दादा पे गुस्सा आता है, दादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो दादा के जो संजोग जो बदल गए तो उसमें दादा की खुद की डिजाइन है, तो अपनी डिजाइन के हिसाब से आपको एडवाइस करेंगे भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा करना चाहिए, और आपकी और दादा की जनरेशन में कितना बड़ा गैप हो गया? बहुत गैप। हाँ तो फिर वो गैप हो गया तो दादा आपकी बात समझ पाएंगे कि आप दादा को समझ पाएंगे?
मैं तो नहीं समझ पाती नहीं उसको दादा कहने के पाका माटले गाट गड़ाई नहीं वो मटका है वो कुंभार वो पोट मेकर ने वो रख दिया गर्म करने के लिए फिर वो गर्म होके स्ट्रॉन्ग हो गया फिर उसका शेप बदलना है तो बदल पाते नहीं बदल पाते जैसे दादा है ने वो पक्का गड़ा हो गया उनको बदलने के लिए जाएंगे तो टूट जाएगा क्रेक हो जाएगी वो तेरा अभी कच्चा गड़ा है तो तेरे गड़े को तेरी मटकी को ऐसा मोल्ड कर सकते हैं वो उनको मोल्ड नहीं कर सकते समझ में इतना ध्यान में रखने का और दूसरी बात क्या है कि आपको लगता है कि दादा मेरी बात सुनते नहीं मेरे साथ कन्विंस नहीं होते मगर दादा कन्विंस होते हैं वो भी व्यवस्थित है वो दादा कन्विंस नहीं होते ने वो भी व्यवस्थित के बाहर नहीं है इतना ध्यान में रखना तो फिर गुस्सा नहीं आएगा इतना तो गुस्सा आ जाता है मैं तो तेरी पकड़ हो गई तो फिर गुस्सा आए अपनी पकड़ हो जाती ने तभी गुस्सा आता है फिर इतनी बात क्यों नहीं समझते मैं तो बोलना ही बंद कर दे तो इतना गुस्सा आ जाता है तो फिर बोलना शुरू कर देने का बोलना बंद कर दिया तो इतना गुस्सा आता है बोलना शुरू कर देने का तो फिर गुस्सा आके निकल जाएगा कुकर की सीटी बच जाएगी फिर रिलैक्स तो हो जाते और देखने का अभी किसकी कुकर की सीटी बज रही है मेरी या उन्नति की तो क्या उन्नति की सीटी बज रही है फिर उन्नति को बोलने का भी कि देखो ये सीटी बज गई तो ऐसे घर में दादा है ग्रैंडफादर है तो वहां ऐसे सीटी बजेगी तो आपको फायदा है कि नुकसान है फायदा तो है ऐसी बात है कि आपको जो ठीक लगता है आप फर्मनेस के साथ बोल सकते हैं क्या मैं फर्मनेस के साथ बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा लगता है फिर सामने वाले ने स्वीकार किया कि नहीं किया वो हमें देखने का नहीं है वो तो बड़ी उम्र के तो उनके हिसाब से चलाने का प्रयत्न नहीं करेंगे करते ही है नहीं वो दादा नहीं दूसरे लोग भी नहीं करते करते हैं हाँ आप बाहर भी सबका देखेंगे जो बुजुर्ग लोग हैं उनका क्या होगा वे ऐसा करना चाहिए ये हमारा इतने साल का अनुभव है हम अनुभव से बात कर रहे हैं आप मेरी बात सुनते नहीं है बाद में पछताओगे सब बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बोलेंगे तो वो तो रहेगा तो आप उनको बदल पाएंगे आप बदल नहीं पाएंगे वो बदल नहीं पाते इसलिए मैं क्या बोलता हूं कि कोयला है जलता हुआ कोयला है तो हाथ में नहीं पकड़ने का दूसरा कोई चिपिया ढूंढ लेने का वो उनके साथ डीलिंग कर ले हमें मुक्त रहने का इस तरह से कर लेने शुद्ध है उन्नति कुछ नहीं समाधान हुआ कि कुछ करना है अभी आगे दादा को बदलना है आपको बदलना है यानी समझना है दादा को तो कैसे बदल पाएंगे मुझे ही बदलने पड़ेगा ना नहीं उन्नति कैसा है कि दादा को भी नहीं बदलने का है और आपको आपको भीतर अंदर से ऐसा वो पकड़ छोड़ देने का है बस क्योंकि व्यवस्थित के बाद तो कुछ आने वाला है नहीं दादा की डिजाइन कुछ भी है मगर ऐसा होगा ऐसी बात है तो ऐसा नहीं होगा ऐसा भी इसका भी कोई पता नहीं है तो देखो व्यवस्थित में क्या आता है और ऐसा ऐसा रखने का कि व्यवस्थित में जो हो आने तो आएगा तब देख लेंगे अभी तो आया नहीं है नहीं। मगर आप फॉर्मली बता सकते हैं भाई मुझे ऐसा ऐसा लगता है
समझ ऐसा बता सकते ओके आगे जाइए और मुक्त रहने का हाँ। बोल के फिर छूट जाने का फिर प्रतिक्रमण भी कर लेने का माफी भी मांग लेने का वो तो अभी नहीं होता नहीं होता है नहीं होता ओ डॉक्टर नहीं होता है तो भी प्रॉब्लम नहीं अभी नहीं होता है तो मार खा के बाद में होगा जब होगा तब समझा मैं क्या कहता हूँ कि अभी नहीं होता है तो बाद में मार खाने के बाद एक्सेप्ट करना पड़ता है तो ऐसा भीतर से वो स्वीकार देगा क्योंकि व्यवस्थित तो आप भी नहीं जानते हैं दादा भी नहीं जानते हैं तो दादा तो अपने डिजाइन के हिसाब से पकड़ रखते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए और आपको भी जो लगता है सब बोलने का राइट है सुने आपको मेरी बात में वो कन्विंस ही नहीं हो पाते मगर आपको मैं क्या बता रहा हूं कि आपको पापा से बात करने की मम्मी से बात करने की आपको बीच में चिपकियां रखने का मानो आपकी बात मम्मी समझ सकते तो मम्मी को बात करने की मम्मी पापा को कन्विंस करे फिर पापा दादा को कन्विंस करे ऐसा करने का जहां हमारा नहीं चलता है वहां हमें हाथ डालने का ही नहीं ओके प्रयोग थोड़ा प्रयोग करके वापस आना हाँ जय सच्चिदानंद डॉक्टर कश्यप जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद दीपक भाई जय सच्चिदानंद हाँ जी मुझे ये उसमें प्रगट जो पद है प्रगट दादा स्तुति उसमें पूछना है ये ज्ञानंजन का मतलब बता दीजिए क्या होता है ज्ञानंजन ज्ञान देने वाला इससे अर्थात ज्ञानंजन का मतलब ज्ञान का अंजन वो आंख में अंजन लगाते हैं ना जी तो आंख में जो अंजन लगाते हैं वो तो वो ब्लैक कलर का होता है मगर ये जो दादाजी अपनी दृष्टि में क्या कौन सा अंजन ज्ञान का अंजन लगाते हैं ख्याल में ज्ञान मतलब ज्ञान देना जो है इसका अर्थ होगा ना नहीं नहीं कश्यप दिल्ली वाले जी ज्ञान देने वाले ऐसे नहीं ये ज्ञान दृष्टि हमें प्रदान किया ने जी तो पहले हमारी जो दृष्टि संसारी दृष्टि थी उसकी जो ये ज्ञान दृष्टि खुली हुई जी पहले जो संसारी दृष्टि थी अभी ज्ञान दृष्टि खुली हुई अभी हम रिलेटिव रियल दृष्टि से देख रहे हैं तो ज्ञानांजन हो गया ज्ञान का अंजन मतलब वो दृष्टि देना उसको दृष्टि देना ज्ञान की दृष्टि देने वाले जो उनको बता रहे हैं ज्ञान की दृष्टि देने वाले आपकी ज्ञान दृष्टि खुल गई ना अभी जी क्या आपको बान हुआ कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ सब शुद्ध आत्मा है जी तो पहले दृष्टि में क्या था दृष्टि में सब विनाशी दिखाई देता था सब कुछ विनाशी दिखाई देता था अभी ये ज्ञान का अंजन हुआ तो आपको सब रियल दिखाई देता है अविनाशी दिखाई देता है तो पूरी दृष्टि चेंज हो गई तो क्या हुआ पहले अज्ञान था अभी ज्ञान का अंजन हो गया ज्ञानांजन तो मेरे आंख में ज्ञान का अंजन करने वाले ऐसे ऐसे पुरुष ये दादा भगवान को संबोधित करके कविराज ने लिखा है कि ज्ञानांजन हे परमानंदम तो क्या आपने मुझे ज्ञान का अंजन तो कर दिया ऐसे हे परम आनंद में रहने वाले दादा भगवान हे दादा जय सच्चित आनंद हे दादा जय सच्चित आनंद वो तो सब आप जानते हैं जी समझ में आया दूसरा मुझे ये पूछना है अगला पद जो है निरंजन सिद्ध अरिहंतानम उसमें निरंजन का क्या अर्थ होता है निरंजन का जी निरंजन मीन्स ये जो मैं पता अंजन जो
मेस का होता है, ब्लैक का, जो ब्लैक कलर का होता है ना, तो ये अंजन का, ये जो संसारी जो अंजन है उसका उसका दाग लग जाता है जी। और ये बोलते हैं निरंजन सिद्ध अरिहंताण, क्या आप ऐसे है कि आप में किसी भी प्रकार का दाग नहीं रहा है, आप ऐसे पवित्र हो गए। निरंजन सिद्ध अरिहंताण, तो क्या संपूर्ण प्योर हो गए तो आपकी दशा कैसी है, क्या सिद्ध जैसी अरिहंत भगवान जैसी आपकी दशा हो गई। इसलिए बोले प्रगट दादा स्तुति के ज्ञानांजन है परमानंदम, तो क्या आपने सबको एक ज्ञान का अंजन कर दिया जी। परम आनंद में रहने वाले आपने तो सबको ज्ञान का अंजन कर दिया, तो क्या आप कैसे है निरंजन के जिसको ये संसार में रहते हुए एक भी दाग, एक भी धब्बा नहीं लगा है, एक भी क्या बोले कालीमा नहीं लगी है व्यवहार में रहते हुए भी। ये कलयुग में व्यवहार में रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो दाग लग जाता है, मगर ये ऐसे पुरुष हो गए कि उनका व्यवहार तो आदर्श था, तो कहीं भी कोई भी जगह पे दाग नहीं लगा था। तो ऐसे है सिद्ध अरिहंताणम, हे दादा ते मूर्ति चरम स्पंद। चरम स्पंद क्या होता है? चरम, चरम मीन्स एक्सट्रीम, उत्कृष्ट। तो क्या आपके स्पंदन कैसे है? चरम स्पंद, सबसे उत्कृष्ट में उत्कृष्ट, ऐसे आपका आपका जो वाइब्रेशन है, आपके पास आते हैं तो आपके जो आप जो माहौल बन जाता है, एम्बियंस बन जाता है, वो कैसा है कि चरम स्पंद। आपके जो स्पंदन है वो चरम मीन्स जो तीर्थंकर भगवान है उनके जो स्पंदन होते हैं उनके पास में जाने से, ऐसे आपके स्पंदन है। तो के हे दादा ते मूर्ति चरम स्पंद, तो के पीछे का सब क्लियर करके आए थे, तो के आप जन्म से ही ऐसे ही थे कि कोई दाग नहीं था जी। जी क्लियर हो गया, जय सच्चिदानंद। ये आपको गुजराती समझ में नहीं आता ना, इससे थोड़ा थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है, तो कोई हाँ। बात सिंपल ही है, थोड़ा थोड़ा मनहर जन वल्लभ, तो के आपका मुख, आपका मुखारविंद कैसा है कि सब लोगों को देख के ही आनंद हुए ऐसा। जन वल्लभ मीन जनता, देखने सभी, जन मीन जनता के, सभी सबके लिए जी। तो कैसा है मुख मुद्रा मनोहर, के मन का हरण कर ले मनोहर, मुख मुद्रा मनोहर जन वल्लभ मीन्स सारे जगत को वल्लभ मीन्स आनंद करवाए, वल्लभ का मतलब होता है आनंद, जन मीन्स मनुष्य, तो सारे मनुष्य को देखते ही आनंद हो जाए ऐसे जिनकी मुख मुद्रा है। फिर आगे बोलते मुरली मनोहर ज्ञान सुदाम्बु, तो क्या आप, आपकी जो वाणी निकलती है तो कृष्ण भगवान की जैसे मुरली बजती है और गोपी और गाय सब सारा लोग उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते थे, ऐसे आपकी एक ज्ञान वाणी, आपकी एक मुरली मनोहर मन का हरण करे ऐसा, ऐसी है, क्या है तो ज्ञान का सुधामृत है कि आपकी ज्ञान वाणी हमें ज्ञान का अमृत पिलाती है। पांच मिनट लो खत्म ही कर दूं। बाह्यांतर निर्ग्रंथि समरस, बाह्यांतर मीन्स बाह्य अंतर, संधि है बाह्य अंतर, बाह्यांतर मतलब बाहर भी और अंदर भी जी। कैसे है निर्ग्रंथ, तो क्या अभी ग्रंथि नहीं रही है किसी भी प्रकार की, तो उनका जो मन है उनका मन संपूर्ण ग्रंथि रहित हो गया है निर्ग्रंथ, तो कैसे है बाहर और अंदर समरस है, बाह्य बाहर से और भीतर से समरस हो गए, मीन जैसा भीतर है वैसा बाहर है, मतलब बाहर से और भीतर से मतलब उनको राग द्वेष नहीं होता है, नहीं राग द्वेष नहीं होता है। अच्छा। जो हमारे राग द्वेष निकाल देते हैं उनको राग द्वेष कैसे होंगे, हाँ। जैसे अभी ख्याल में आया
जिनके पास जाने से जिनके ज्ञान जो हमें ज्ञानांजन कर देते तो हमारा राग द्वेष निकल जाता है, तो उनकी तो कैसी अद्भुत दशा होगी। इसलिए कविराज ने लिखा है कि दशा अहो वितराग अनुपम, दादा भगवान आपकी दशा कैसी है, तो वितराग ये काल में चौथे आर्य तक वितराग होते, पांचवे आर्य में वितराग होते नहीं है, कलयुग में वितराग होते नहीं है, मगर आपकी ऐसी अनुपम वितराग दशा है। अनुपम इसको मीन्स जिनकी उपमा हम नहीं दे सकते ऐसे अनुपम। कश्यप जी आप फॉलो करिएगा, भारती बहन नेक्स्ट टाइम लेंगे आपका प्रश्न। जय सच्चिदानंद, दूसरा फोर स्टडी प्रोग्राम भी है ना? हाँ राइट 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 राइट, बुलाए त्रिमंत्र बुलाओ। हाँ आप बुलाए, कश्यप जी फॉलो करेंगे। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो वज्जायानम, नमो लोए सव साहुनम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावप्पनासनो, सव पावप्पनासनो, मंगलानं च सव्वेसिम, मंगलानं च सव्वेसिम, पद्मं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।